मोनिका टावरी, स्टूडेंट ऑफ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, पैशनेट फॉर कुकिंग एंड अ बिग फूडी। सो वेलकम टू मोनिकास कुकिंग स्टेशन। तो सीरीज की हमारी दूसरी रेसिपी है बैंगन की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। तो बैंगन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें बैंगन काटने कैसे है। अगर आपके बैंगन छोटे हैं तो आप उसके ऊपर का पार्ट काट लीजिए और बाकी पूरे बैंगन को चार पार्ट में इस तरीके से स्लिट कर लीजिए। और अगर आपके बैंगन बड़े हैं तो आप बैंगन को दो पार्ट में काट लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ वैसे। और फिर उन दो पार्ट्स को चार पार्ट में इस तरीके से स्लिट कर लीजिए। या ऐसे इसी तरीके से हम सारे बैंगन काट कर एक बाउल में पानी में डालकर रख देंगे। एक तरफ हमने गैस पे रखा है कढ़ाई, उसमें डाला है तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर उसमें राई और जीरा डाल देंगे। राई और जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो हम उसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन की मैंने 3 से 4 कलियाँ ली है और उसको बारीक काट लिया है। लहसुन को थोड़ा सा पकने देंगे और फिर हम उसमें हमारे बैंगन डाल देंगे। अभी बैंगन को अच्छे से पकाना है हमें। तो इस तरीके से हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उन्हें पकने देंगे। देखिए इस तरीके से आपके बैंगन थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे। उसके बाद हम इस पे रख देंगे एक प्लेट जिसमें कि पानी होगा। प्लेट में पानी रखकर उसे हम ढक देंगे और अच्छे से पकने देंगे। इसी के भाप में हमारे बैंगन पक जाएंगे। बैंगन की सब्जी को छोंकने के बाद हमने जो उसके ऊपर ढक्कन रखा है उसकी वजह से बैंगन की सब्जी अपने आप ही अच्छे से पक कर रेडी हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो हमने बर्तन या प्लेट ऊपर रखा है उसमें आपको पानी रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी डीप प्लेट लीजिएगा ताकि उसमें पानी ज्यादा बैठे। और अगर आपका पानी सूख गया है फिर भी बैंगन पके नहीं है तो आप उसमें और पानी ऐड कर दीजिए। लेकिन पानी जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही खाली प्लेट उसके ऊपर ढककर रख दोगे तो आपके बैंगन नीचे कढ़ाई में लग सकते हैं और जल सकते हैं। अभी हमारे बैंगन पक कर बिल्कुल रेडी है, देखिए। और थोड़े से दब भी रहे और जितना पानी था वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है और हमारा जो प्लेट है वो सूख गया है। और हमारे बैंगन भी पक गए, थोड़े से नरम हो गए। इन्हें हम एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। इस तरीके से जब नरम हो जाए यानी हमारे बैंगन अच्छे से 70% पक गए हैं। फिर हम उसमें डाल देंगे मसाले। तो मैं सबसे पहले डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपकी मिर्च फीकी है और आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर और फिर मैं डाल दूंगी दाने का कूट। दाने का कूट इसमें बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा डालूंगी, करीब 2 से 2.5 चम्मच। और फिर लास्ट में बट सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि हमारा नमक। अभी हमारे मसाले डल चुके हैं, हम इन सभी मसालों को बैंगन के साथ में अच्छे से पका लेंगे। बस अभी हमें इस मसालों के साथ बैंगन को फिर से पकाना है उसी तरीके से पानी की प्लेट से ढक कर। तो मैं फिर से पानी की प्लेट से हमारे कढ़ाई को ढक दूंगी। ये रखी प्लेट और ये गया उसमें पानी। अभी हम उसे अच्छे से करीब 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे और हमारे जो सब्जी है पककर बिल्कुल रेडी है। करीब 97% सब्जी पक चुकी है। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि सब्जी बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा सा यानी 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। बस इसे हम 1 मिनट ही पकाएंगे, अभी हमें इसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। देखिए बहुत टेस्टी बनकर रेडी है हमारी सब्जी। लास्ट में इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट यानी कि हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं होता है ना तो आप उसे सुखा कर रख दीजिए और स्टोर कर सकते हैं। मैंने भी उसी तरीके से स्टोर किया हुआ हरा धनिया यूज़ किया है। बस उसे क्रश कर दिया और हमारे सब्ज़ी में डाल दिया। एक बार उसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत मसालेदार, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
बैंगन की सब्जी को बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये हम एकदम मसाले वाले बैंगन की सब्जी बना रहे हैं, और अगर आपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो उसके फ्लेवर थोड़े से ऑफ हो जाएंगे और जितना मसाले का टेस्ट आना चाहिए उतना नहीं आएगा। हाँ, लास्ट में अगर पूरा पक गया है बैंगन और हमारी सब्जी बनकर लगभग रेडी है, फिर भी अगर आपको वहाँ पे नीड लग रही है कि थोड़ा सा पानी की जरूरत है, तो आप लास्ट में 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। अब वो अपने आप ही पक जाएगा और वो अच्छे से पकना चाहिए, इसलिए हमने उसके ऊपर पानी वाला ढक्कन तो रखा ही है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।